हेलो गाइस, वेलकम टू स्टमिक वाइब। तो आज के इस वीडियो में मैं एक मेलोडी बनाने वाला हूँ और तुम लोग बनाओगे इसका बीट। तो लाइक हम लोग मिलके एक बीट बनाएंगे, इसका मतलब बीट मेकिंग कंपटीशन भी बोल सकते हो इसको, काइंड ऑफ एक कंपटीशन होगा छोटा मोटा। सभी VSTs मैंने यूज किया, सब फ्री VSTs से ही मैंने किया। तो उसका पहले मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से फ्री VSTs मिला और कौन सा वेबसाइट से। इंडिविजुअली एक एक करके हम लोग देखेंगे क्या क्या कैसा कैसा साउंड है। उसके बाद मैं मेलोडी को दिखाऊंगा क्या क्या मेलोडी बनाया और लास्ट में जाकर कहाँ पे क्या अपलोड करना है और कैसे क्या करना है, कितना दिन का टाइमिंग है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं, पहले वेबसाइट देखते हैं कहाँ से ये डाउनलोड किया सारी VST। तो ये वेबसाइट है zacksound.com बोल के। तो ये वेबसाइट मेरे को इंस्टा चलाते वक्त मिला था, मेरे को देख के लगा कि ये नया टाइप का है और कोई पेज वेज में फॉलोअर्स नहीं है। तो मैं जाके एक बार देखा कि फ्री प्रोडक्ट्स भी है इसके अंदर। तो फ्री प्रोडक्ट्स बहुत ही क्लीन है, देख सकते हो यहाँ पे सैफायर गिटार बोल के एक VST है, रेट्रो कीज है, और ये वाला एक्चुअल इसका ऐड आया था मेरे पास, इनफिनाइट बेस पियानो 2 बोल के, और ये अजूर लेक बोल के जो भी है ये वाला है। यहाँ पे और एक डाउन टाउन कलर बोल के, तो टोटल 5 प्लगइन है। तो इंस्टॉल करने में बहुत ही ईजी है, तो नॉर्मल साइन अप करना होगा, देन वो लोग कोई मेल का मतलब एक बिलिंग एड्रेस टाइप का लेगा और आ जाएगा मेरे पास नॉर्मल। उसके बाद VST इंस्टॉल बहुत ही नॉर्मल है, वहाँ पे मतलब ऑप्शन आएगा कि मैनुअल करना है कि ऑटोमेटिक करना। तुम अगर तुम लोग FL Studio यूजर हो तो ऑटोमेटिक वाला कर लेना, आई थिंक वो इजी रहेगा। और मैनुअल वाला अगर कर रहे हो, Ableton यूज करते हो ऐसा कुछ, तो जस्ट तुम लोग का जो जिस फोल्डर पे VST है उस पे जाके बस दो, एक इंस्ट्रूमेंटल फोल्डर होगा और एक VST वाला फोल्डर होगा, फिर VST वाला फाइल होगा, वो दोनों को बस कॉपी पेस्ट करना है, देन वो आ जाएगा। देन अभी एक एक करके देखते हैं VST कैसा है। तो जिस VST को मैंने नहीं यूज किया है वो पहले देखते, और बाकी 4 VST मैंने 2 बीट में यूज किया है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे आ गया। तो ये जो डाउन टाउन कलर है ये मेरे को मैंने यूज नहीं किया है। प्लगइन स्टार्ट ऑन पे स्टार्ट डाउन कलर ये बहुत मस्त लगता है, एकदम क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाएगा, तो मस्त है। तो इसमें प्रीसेट पहले देखते, प्रीसेट क्या है। प्रीसेट बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा है, मतलब कम ही है, ज्यादा नहीं है, और जो भी है मतलब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। लिटरली ये वाला जो VST है, पर्सनली मेरे को लगा कि ये कोई मूवी का स्कोर या कुछ शॉर्ट फिल्म का स्कोर उस टाइप में बहुत अच्छा फिट हो सकता है, लेकिन इसमें बीट में ये मेरे को नहीं लगा। उसके बाद जो मेरा मतलब सबसे पहले जो मेरे को VST पसंद आया था वो था ये वाला अजूर लेक बोल के। ये जो है ये पैड काइंड ऑफ एक VST है, बहुत ही अच्छा। मतलब जो लोग मतलब मेलोडिक हाउस हो गया और इस टाइप का जो भी एम्बियंस वाला जिसमें लोफाई हो गया, तो उसमें आराम से ये फिट हो सकता। ये इसको अभी मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये जो बीट है उससे ही मैं दिखा रहा हूँ। तुम लोग देख रहे हैं ये इसमें जितना भी प्रीसेट है बहुत अच्छा प्रीसेट है, बहुत फिट हो सकता है उस टाइप का जॉनर में, जो मैं बोला। देन उसके बाद इसका एड आया था वो है ये वाला VST, इसका नाम है इनफिनाइट स्पेस पियानो 2। ये एक्चुअली पियानो ही है लेकिन थोड़ा प्रोसेस वैसे किया हुआ है, ये भी लाइक एम्बियंस थोड़ा म्यूजिक इस टाइप में बहुत अच्छा फिट हो, और ये एकदम बहुत ही अच्छा पियानो का साउंड भी है इसके अंदर। देन ये जो इसका जो गिटार है उसको देखते हैं, इसका नाम है सफायर गिटार जैसे बोला, बहुत ही अच्छा नाम है, और इसमें है प्रीसेट भी अच्छा खासा है। इसमें जो मैंने प्रीसेट यूज किया है वो वाला है इलेक्ट्रिक गिटार, एक बहुत अच्छा गिटार है इसका, गिटार का साउंड है। एक्चुअली इसका रिवर्ब मेरे को बहुत ही पसंद आया, ये जो इसका रिवर्ब है ये रिवर्ब काइंड ऑफ रिवर्ब कम कोरस काइंड ऑफ इफेक्ट देता है, बहुत ही अच्छा रिवर्ब है इसका। यहाँ पे थोड़ा बहुत फिल्टर कर सकते हो, और बाकी हम लोग मतलब अपना जो स्टॉक प्लगइन या दूसरे थर्ड पार्टी जो प्लगइन है उससे कर लो और सही रहेगा। इसमें लाइक मैंने उतना चेंजेस नहीं किया, प्रीसेट यूज किया, थोड़ा रिवर्ब दिया। लास्टली और एक VST मैंने भूल गया, वो है ये वाला, ये भी ये स्टार्ट वाला बहुत ही बढ़िया एकदम आएगा स्क्रीन पे, स्टार्ट क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाएगा, बहुत मस्त है। इसमें वही 6-7 प्रीसेट है, तो ये लिटरली लोफाई के लिए बेस्ट है। तुम्हें कुछ भी प्रोसेस नहीं करना होगा, बस डालो उसके बाद कॉर्ड्स या जो भी मेलोडी बनाना है बनाओ। तो ये हम लोग का फर्स्ट बीट है। तो सबसे पहले हम लोग इस पैड से स्टार्ट किए थे, या इसका पहला नोट है ई और उसके बाद है सी, और ऊपर इसका परफेक्ट फिफ्थ जो है उसके यूज किया है, और ये पहला जो बीट है हम लोग का वो है ई माइनर। तो 2 नोट यहाँ से यूज किया, ये हो गया हम लोग का कॉर्ड्स। देन आता है इनफिनाइट स्पेस, जो उस पर मेलोडी बनाया हम लोग, मेलोडी कुछ ऐसा है।
हम लोग को मेलोडी और एक इन्फिनिट स्पेस मैंने यूज किया, लेयर किया कुछ दूसरा पीस प्रीसेट के साथ, ये टाइनी नोट तो कुछ प्रीसेट के साथ। ये बहुत ही बेल वाला साउंड है और एकदम हाइस हाइस के अंदर आता है। ये ऑलमोस्ट हम लोग का इतना ही मेलोडी सेक्शन है। और लास्टली गिटार यूज किया है, सफायर गिटार, और ये ट्रैक के बीच में से स्टार्ट होगा, लाइक पार्ट सेक्शन पे चालू होगा। ये बेस्ट पार्ट है। तो देख सकते हो बहुत ही क्लीन बढ़िया साउंड कर रहा है एकदम। तो ये वाला बिट थोड़ा सुनते हैं, देन चलते हैं नेक्स्ट बिट पे। नेक्स्ट बीट पे चलते हैं, बीट नंबर टू। इसका देखते हैं क्या क्या कैसे स्टार्ट किया था। तो इसका स्टार्ट किया था मैंने ये गिटार से, वही सैफायर गिटार जो है, और इसका स्केल है इफ मेजर। बहुत ही सिंपल है, एकदम क्लीन है। थोड़ा बहुत स्ट्रमिंग जैसा फील देने के, थोड़ा ऑफ टाइम कर दिया है, नोट देख सकते हो यहाँ पे है, बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत ऑफ टाइम कर दिया, वो स्ट्रमिंग वाला इफेक्ट आएगा। देन आता है हम लोगों का जो मेन मेलोडी, ये मतलब इटसेल्फ ही बहुत यूनिक साउंड कर रहा है मेरे हिसाब से, बहुत ही सिंपल है। पहले मैं सुना रहा हूँ, उसके बाद दिखा रहा हूँ कैसे ये बनाया मैं। मेलोडी सुन के तुम लोग कैसे लगे, एकदम सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा यूनिकनेस ला रहा है ये वाला बीच का तीन तीन नोट, तो उसको मैंने बस वेलोसिटी को कम किया है, तो ऐसा लग रहा है कि वो डिले टाइप का इफेक्ट आ रहा है ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे, लेकिन वो डिले नहीं है, वो तीन नोट वेलोसिटी को चेंज किया हुआ है। और एक आर्प जैसा, एक आरपी है बोल सकते हो, आर्प जैसा नहीं, आरपी है जो कॉर्ड्स का नोट प्लेयर है, उससे ही इसमें आर्प बनाया। तो ये भी बेल टाइप का साउंड है और थोड़ा पैन हो रहा है। एकदम क्लीन है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। और लास्टली बस थोड़ा जो नोट प्लेयर है उसका पैड में मैंने यूज किया थोड़ा बहुत। और यहाँ पे और एक रेट्रो कीज के अंदर, रेट्रो कीज से जो यूज किया था उसमें ये जो वर्ड सेक्शन आएगा उसमें ऐसा हो जाएगा मेलोडी। तो ये था सारा जितना भी मेलोडी सेक्शन वो हो गया। अभी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो एक गूगल ड्राइव लिंक है, नॉर्मल कुछ लिंक डाल लूंगा, वहां से तुम लोग ये होल जो मेलोडी है एक इसमें एक ही फाइल में मिल जाएगा। तुम उसको चॉप करो, बीपीएम चेंज करो, की चेंज करो, जो करना है करो, ऐसा टाइप का बीट बनाना है बनाओ। बनाने के बाद तुम लोग इंस्टा पे मेरे को टैग करो अपलोड करके। और इसका टाइम एक मंथ है, अभी अभी से लेकर मतलब नेक्स्ट मंथ का 4-8 तारीख तक है, उसके अंदर तुम लोग बनाओ, आराम से बनाओ। जो मैं फाइल दूंगा उस पर एकदम की मेंशन रहेगा कि कौन सा कॉर्ड प्ले हो रहा है, कौन सा स्केल में है, सब मेंशन रहेगा, बीपीएम मेंशन रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी तुम लोगों को ऊपर है कि उसको कैसे तुम लोग क्या बनाओगे। ये मेरे हिसाब से एक अरेंजमेंट वाला एक फाइल दे रहा हूँ, तो लेकिन तुम लोग उसमें से भी कट करके अपना चेंजेस कर सकते हो। मैं इस मेलोडी पे भी थोड़ा बहुत 808 और ड्रम्स का लूप लगाया है, और इसमें एक रैप वोकल भी लगाया, वो सुनते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जरूर से ट्राई करना, तुम लोगों को भी कुछ सीखने मिलेगा बीट बनाने के टाइम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Last high, last just dress. Oh shit, I sin, so lit, main sin. Go fast and forward for me. It's normal, change place, it's portal. Yo, vision so tunnel. Shit is coming true, so my eyes, I got flu. You think twice, I know you. I've gone through that shit again, and I know that's just my game.